हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपना बुक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसमें आपको ब्लाउज में लाइनिंग लगाते हुए अगर आपको प्रॉब्लम होती है, झोल आता है, तो इससे आपको बहुत ही इजीली मेथड में आपको बताऊंगी। और बिना मशीन के हम लाइनिंग और ब्लाउज पीस के कपड़े को ज्वाइंट करेंगे बिना किसी झोल के, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फेविकोल की। कोई भी आप फेविकोल यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने ब्लाउज पीस कटिंग कर रखा है, इसे हम इस तरीके से लगाएंगे कि जिसमें झोल नहीं आएगा। फेविकोल के साथ मैं लाइनिंग आपको जोड़ के बताऊंगी, इससे आपको जो बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा, आराम से आपकी लाइनिंग सेट हो जाएगी। और आप इजीली स्टिच कर सकते हो, इसमें प्लेट्स डाल सकते हो। ये हमारा बैक साइड है, सबसे पहले मैं इसे लगाऊंगी। तो ये मैंने प्लेट्स के निशान लगा रखे हैं, इसे मैं उल्टी तरफ ही रखूँगी और मैं इसे इस तरीके से बिछा लेंगे। सबसे पहले ये ब्लाउज पीस की लाइनिंग है, इसे मैंने अच्छे से बिछा लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये फेविकोल से हम चारों तरफ इस तरीके से डॉट डॉट डालेंगे। ये मैंने चारों तरफ से डॉट डॉट डाल लिया है। अब आपको ब्लाउज का कपड़ा जो है देख लेंगे आप, सीधा उल्टा किधर की साइड है और सीधा ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे अच्छे से इस पे बिछा देंगे और इसे इस तरीके से आप अपना हाथ फेर देंगे ताकि ये अच्छे से इस पे चिपक जाए। इसे हमारे कपड़े में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और ना आपको बार बार उधेड़ना पड़ेगा, मशीन नहीं चलानी पड़ेगी। जब आप इसे स्टिच करोगे तो बहुत ही इजीली आपका ये स्टिच हो जाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए सूखने रख देंगे। इसी तरीके से मैं अपना फ्रंट और अपनी स्लीव्स भी इसी तरीके से मैं करूँगी। ये मेरी स्लीव्स है, इसकी लेंथ कम है और इस पर मुझे सिलाई लगानी है। तो सिलाई के लिए हम क्या करेंगे, सिलाई ना लगा के हमें मैं इस पर भी फेविकोल से ही इसे ज्वाइंट करूँगी। बस हम इसके लिए हमें क्या करना, 1 इंच हम ऊपर डॉट डालेंगे ताकि हम ये इसे फोल्ड करके स्टिच कर सकें। ये हमने अपनी दोनों स्लीव्स भी कर ली हैं, देखिए बिल्कुल भी इसमें ज़रा भी झोल नहीं है। बहुत इजी मेथड है अपनी लाइनिंग को सूट से ब्लाउज से अटैच करने का बिना मशीन के और बिना झोल के। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।